नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय देश के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां सक्रिय हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी की नैया टिकी हुई है। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी PM जो हैं उनकी नैया को बाबा बागेश्वर धाम जो सरकार है क्या वो पार लगाएगी? ऐसे कुछ सवाल हैं। देखिए एक स्टोरी जो हमने बनाई है कि क्या 2024 में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सहारे नरेंद्र मोदी की नैया पार होने वाली है। देखिए एक स्टोरी। 2024 का चुनाव सिर पर और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए इस पर विपक्ष मंथन कर रहा है। विपक्ष में कई लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, एक नीतीश और दूसरी ओर ममता बनर्जी। अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने की भले ही दावेदारी कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को नरेंद्र मोदी से ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार से खतरा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम में तो सब ओर से हिंदू राष्ट्र की पैरवी की है, जो विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आयोजनों में भी हाजिरी लगा रहा है। बिहार में बागेश्वर धाम का आयोजन हुआ तो भाजपा भी कहां पहुंचे, तो नीतीश बाबू को भी निमंत्रण दिया गया। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया। यह बात अलग है कि नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव गए नहीं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सहारे लाने वाली है? क्या मोदी की नैया इस बार 2024 में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पार लगाएंगे? इन बातों को यूं कहना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा बागेश्वर धाम सरकार का प्रचार प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में बाबा का जगह जगह आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में भाजपा के दिग्गज और भाजपा के बड़े नेता वादा हाजिरी लगा रहे हैं और बाबा का गुणगान कर रहे हैं। इससे साफ है कि इस बार 2024 में मोदी से ज्यादा भाजपाई बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर भरोसा है। माना जा रहा है कि 2024 में PM नरेंद्र मोदी की नैया इस बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर है। राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं या राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीतांबरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ज्यादा दिन नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली, हमारी पार्टी का निशान है मुगदर, हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी, काम का नहीं ऊकी ठटरी। अब फिर कहेंगे वोट फॉर यू एवरीवन माय डियर, लेकिन हम राम के थे हैं। जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो, हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।